तमाम अरेगानी फ्रेंड्स को वैगी सोमसिंह गार्डन में बहुत बहुत खुशामदीद। अरेगानी फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे रूफटॉप गार्डन पे हर तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनमें समर फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स और वेजिटेबल प्लांट्स पे ना तो सिर्फ फ्लावर्स आ रहे हैं, बल्कि जो मेरे समर फ्लावरिंग बल्ब्स हैं, जिनमें स्पेशली है ट्यूब रोज शामिल है, उस पर भी ये देखें मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये फ्लावरिंग जो स्पाइक है इसका भी आने का सिलसिला इस वक्त शुरू है। तो बहुत से मेरे फेसबुक के खासतौर पे फ्रेंड्स ने और यूट्यूब पे भी लोगों ने मुझे कहा कि जी आप में जो समर फ्लावरिंग बल्ब्स हैं, जो ट्यूब रोज लगाए थे, उसकी अभी तक कोई अपडेट नहीं कोई हमें दी, उसकी ग्रोथ के हवाले से, उसकी फर्टिलाइजर के हवाले से आया कि वो आपके रूफटॉप पे बल्ब्स हैं, ये ट्यूब रोज के चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स, एक्चुअली ये था कि थोड़ी सी लाजमी बात है, जब मौसम की मुनासिबत से मैंने शिफ्टिंग करते रहता हूँ अपने रूफटॉप गार्डन की है, कुछ यहाँ से प्लांट नीचे शिफ्ट आउट हुए हैं टेरेस, बल्कि टेरेस से मेरे नीचे सहन में भी शिफ्ट आउट हुए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जी हाँ, वाकई मैंने ट्यूबरोज के बल्ब्स लगाए हुए थे और बाहर के मौसम में मार्च के एंड में मैंने ट्यूबरोज के बल्ब्स लगाए थे, लेकिन शिफ्टिंग के दौरान कोई किसी किस्म की कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ऐसी कोई बात नहीं। अभी देखिए, जैसे सामने दो पॉट्स में है जिसमें मैंने बल्ब्स लगाए थे, इसमें बिल्कुल फ्लावरिंग स्पाइक है, हर बेतहाशा फ्लावरिंग स्पाइक इसमें भी निकली हुई है। और मेरे गार्डन फ्रेंड्स, अगर मैं ये कैमरा वो उधर लेके जाऊँ, वो ऊपरली तरफ है, वो सीमेंट के पॉट में भी मेरे जो है वहाँ भी एक ट्यूब रोज के बल्ब्स लगे हुए हैं। बल्ब उसी सीमेंट पॉट में से मैंने कुछ बल्ब्स हैं यहाँ शिफ्ट आउट किए थे। तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है अपने ये ट्यूब रोज की टिप्स ऑन फॉर्मेशन, इसकी हेल्थी ग्रोथ और इसकी फर्टिलाइजर के हवाले से है, ताकि किस तरह आप ज्यादा से ज्यादा ये फ्लावरिंग, ये स्पाइक है ये आप देख रहे हैं यहाँ आपको नजर आ रही है, बल्कि वो अनकरीब ही है इस पे फ्लावर्स आना शुरू होंगे। और इसीलिए मैंने थोड़ा सा सेटिंग की है इसको, पार्शियल शेड के नीचे किए है, आगे मानसून का भी मौसम शुरू होने वाला है। तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये एक तरह की पूरी चेन चलती है, जैसे शुरू में आपने मेरे एमराल्ड के ये बल्ब्स यहाँ देखे, प्यारे प्यारे से फ्लावर्स हैं देखे एप्पल के शुरू में, इसके बाद है डे रिलीज का स्पेस शुरू हुआ, डे रिलीज के बाद है आप ट्यूरोस है, आप ट्यूरोस के बाद है आपके आएंगे रेड स्पाइडर लिलीज, जिसे लाइकोरोस रेडिएटा कहते हैं। तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स, आज अपने इस ट्यूरोस में आप लगाए हुए तकरीबन मुझे तकरीबन नॉर्मली 70 डेज हो गए हुए हैं, और मैंने जो मेरे गार्डन फ्रेंड्स ने अगर वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बॉक्स होगा, आई बॉक्स में क्लिक करें वो वीडियो खुल जाएगी, लेकिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं। मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये दो पॉट्स में मैंने ये लगाए थे, तो 8 बल्ब्स थे मेरे पास बड़े बड़े, 5 बल्ब्स मैंने उसमें लगाए थे और 3 बल्ब्स हैं मेरे गार्डन फ्रेंड्स इस पर लगाए थे, और मोस्टली तमाम ही पे फ्लावरिंग जो स्पाइक है निकल रही है और अनकरीबी इसमें फ्लावर्स निकलेंगे। जैसे ये देखें मेरे गार्डन फ्रेंड्स, 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर आ जाते हैं मेरे गार्डन फ्रेंड्स, है ये 5, ये 6 और यहां से भी निकल रही है 7। तो तब से अब तक मैंने क्या इसकी फर्टिलाइजर दी है, क्या केयर की है, इवन तो पहले तो केयर मैंने क्या करनी है। मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये बहुत हार्डी प्लांट है, शुरू में जैसे मैंने बताया मैंने गोबर की खाद मिट्टी में मिक्स करके जस्ट जैसे बल्ब्स को लगा दिया था, और उसके बाद मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये अभी तक स्टिल ये रूफटॉप पे रहे हैं, ये पूरे अप्रैल में मई में है, इवन जून के, अब इसको जून का खत्म होने वाला है। अब मैंने इसको शिफ्ट आउट किया हुआ है क्योंकि आगे आगे मानसून है, बारिशों का सिलसिला है, और वैसे भी फ्लावरिंग स्पाइक है, वैसे भी जरा थोड़ी सी गार्डन की जरा खूबसूरत लुक को बेहतर किया जाए, तो जहाँ इतने फ्लावर्स खिले हुए हैं वहाँ इसकी भी ट्यूरोस किसी भी जो फ्लावर्स खिलते नजर आए, इवन बल्कि आप वेजिटेबल भी फ्लावर्स के, वेजिटेबल्स पर भी मेरे गार्डन फ्रेंड ये देखें आप, ये भी देखें फ्रूट बनने का भी ये सिलसिला शुरू है, ये देखें मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये वेजिटेबल्स, ये वाइट एग प्लांट।
तो थोड़ी सी आउटलुक मेरे गाड़ी फैंस ये अच्छी होती है। यहाँ भी देखे मैंने शिफ्ट आउट किए हुए हैं सारे के सारे अपने ये वाइट एग प्लांट। अभी तक मैं स्टिल मेरे गाड़ी फैंस वो सर्दियों के बाद ये देखें फ्लावर्स उस पर भी चल रहे हैं, वेरबीना भी है, वो पॉट पैरी गोल्ड भी है। तो मेरे गाड़ी फैंस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो अभी तक फर्टिलाइजर्स में दी है, सबसे पहले मैं स्टार्टअप मैंने जो फर्टिलाइजर किया वो लिक्विड फर्टिलाइजर में थी, वो थी यूरिया। जी हाँ, यूरिया मैंने दी है। वाकई यूरिया जिसमें ये आप देख रहे हैं ये व्हाइट व्हाइट के ग्रेन्स देख रहे हैं ये यूरिया है, और इसमें खाली नाइट्रोजन होता है ताकि उस वक्त जब मार्च के महीने में लगाए थे ताकि इसमें जो ग्रीन ग्रीन्स हैं वो ये लीव्स हैं निकलना शुरू हों, क्योंकि इस वक्त आस्ता आस्ता स्लो ग्रोइंग होता है। और उसके ये बर्फ लगाने के तकरीबन 15 दिन के बाद मैंने यूरिया से दी थी, और उसके तकरीबन 20 दिन के बाद मैंने एक दफ़ा मैं ऐसे ये मेरे गार्डन फ्रेंड देख रहे हैं ये डीएपी ये मैं दे चुका हूँ, ये डीएपी है, इसकी रेशो थी 10:23:12। और उसके बाद मेरे गार्डन फ्रेंड्स 20 के दिन के बाद मैंने ये एनपीके दी थी, ये भी ग्रेन्स हैं, मोटे मोटे ग्रेन्स हैं, इसकी जो रेशो थी ये थी 10:28:12। तो ये तीनों ही मैंने ये लिक्विड फर्टिलाइजर्स में दे चुका हूँ। और आपको कि जैसे फ्लावरिंग स्पाइक ये बड़ी बड़ी आप खूबसूरत निकल रहे हैं, आप इसमें अभी मैंने कोई पी के का इसको मिल नहीं दिया सोल्यूशन, अभी मैं इन्हीं में से जो है एनपीके है मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि पानी में मिक्स करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 7 दिन के गैप के बाद मैं इन्हें यहाँ सॉइल में भी देता हूँ। लेकिन जब आगे बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, मिट्टी आपकी नमी रहेगी, तो तब आप कैसे देंगे, तब मैं इसमें मेरे गार्डन फ्रेंड्स फर्टिलाइजर तो दूंगा लेकिन वो फॉलर स्प्रे में करूंगा ताकि इसके प्लांट हेल्थी रहे। अब तो हेल्थी की क्या बात है, अब तो जितनी फ्लावरिंग स्पाइक निकली थी निकल गई हुई है सर, अब तो जस्ट फ्लावर खिलने का सिलसिला बाकी, जितना बाकी में प्यारे प्यारे फ्लावर्स इसमें खिले हुए हैं तो उसमें भी अब फ्लावर्स खिलेंगे, जितनी फ्लावर स्पाइक निकलनी थी। तो ये सारी की सारी जो खाद थी जो मैंने किस तरह की फर्टिलाइजर दी थी, क्योंकि मोस्टली लोग मुझे पूछ रहे थे कि जी आपने फर्टिलाइजर की थोड़ी सी आप अपडेट दें कि ट्यूबवेल्स के हवाले से, तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये थोड़ी सी अपने ट्यूबवेल्स के हवाले से अपडेट थी। और उम्मीद करेंगे कि मेरे गार्डन फ्रेंड्स को ये वीडियो पसंद आई। बाय आसिम नवाज फ्रॉम वैगी सुमसिंगार।